नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कुमार गरसा, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट जयपुर से। जब हॉस्पिटल शुरू किया था, बड़े जोश से शुरू किया था, बहुत सारी जानें बचाते रहे हैं। अभी कोरोना के टाइम में भी इमरजेंसी केयर चालू रखते हुए बचाते रहे हैं। और जब कभी पेशेंट ज़्यादा सिक होता है, शुरुआत में ऐसा लगा तो अपनी भी सांसें अटक जाती थी, तो एक प्राइवेट नर्सिंग होम सोसाइटी ज्वाइन की। धीरे धीरे बहुत सारी चीज़ सामने आई जिन्होंने काफ़ी व्यथित किया, जैसे कि बायोमेडिकल वेस्ट के रेट जो हैं वो मनमानी हैं। गवर्नमेंट हेल्थ जो इंश्योरेंस स्कीम है उसमें छोटी छोटी क्लेरिकल मिस्टेक्स को लेके पेनलाइज किया जाता है, और उनकी टर्म एंड कंडीशन अगर कोई साधारण आदमी भी पढ़े तो ये सोचे कि इन टर्म एंड कंडीशंस पे कोई कैसे काम कर सकता है। लेकिन राजस्थान के प्राइवेट सेक्टर ने उसमें काम किया। उसमें एक टर्म एंड कंडीशन ये भी है कि 21 दिन में आपका पेमेंट नहीं आता है तो आपको पैसे ब्याज सहित मिलेगा। उस टर्म एंड कंडीशन को कोई अधिकारी नहीं पढ़ता। किसी हॉस्पिटल में हंगामा होता है तो पुलिस उन धाराओं में केस दर्ज नहीं करती, और मीडिया उन चीज़ों को ऐसे हाईलाइट करता है कि डॉक्टर ने पता नहीं क्या किया है। और मीडिया का आजकल एडिटोरियल बोर्ड तो है नहीं उनके, और ना कोई नियम कानून है। वो जैसा चटपटी बना के न्यूज़ को बनाना चाहें वो लिखते हैं। इंडिया का जो हेल्थ सेक्टर है उसमें लगभग 70% के आसपास जो मरीज हैं उनका इलाज प्राइवेट सेक्टर में होता है, और प्राइवेट सेक्टर ने ये काम बहुत बखूबी किया है। यहाँ की जो रेट्स हैं वो अमेरिका और यूरोप की बजाय 5 से 10 गुना कम है, और उन चीज़ों को भी रखते हुए भी, और हमने अगर रिजल्ट ज़्यादा अच्छे दिए हों तो कोई अचरज वाली बात नहीं है। इस कोरोना के टाइम में भी हमने बहुत अच्छा काम किया है। जो नॉन कोरोना पेशेंट थे, जो प्राइवेट सेक्टर को इलाज करने का अधिकार दिया था, उन्होंने प्राइवेट सेक्टर ने बखूबी निभाया है। कोई घर पे नहीं बैठा है ताकि जो कोरोना का इलाज कर रहा है गवर्नमेंट सेक्टर उस पर अननेसेसरी बर्डन नहीं बैठे। लेकिन कुछ केसेस इंसिडेंट्स, जैसे डॉक्टर इलाज करते हुए कोरोना पॉजिटिव हो गया तो मीडिया और अधिकारियों द्वारा ऐसे हाईलाइट किया है कि जैसे पता नहीं प्राइवेट सेक्टर के डॉक्टर ने क्या गड़बड़ियां कर दी है। और इसमें भी हमें क्या मिला, तुगलकी फरमानों की भरमार। ये गूगल न्यूज़ फीड भी दिखा चुका है कि बाबुओं ने इंडिया में कैसे बहुत सारे अलग अलग ऑर्डर्स जारी करके कैसे केओस पैदा किया है। जो सोसाइटी पहले ज्वाइन की थी उसका भी पता चला कि वो 2 लोगों की 8 PM वाली सोसाइटी है। ऐसी सारी चीज़ों को देखते हुए ऐसा लगता है, कभी कभी ऐसा लगता है कि दम घुट जाएगा, तो आप फिर दूसरे के भरोसे कब तक इंतजार करते रहेंगे। इसके लिए आपको खुद ही उठ खड़ा होना होगा। तो इसके लिए आप संगठित हों, इकट्ठे हों और एक साथ जो है अपनी आवाज़ उठाएं। तो इसके लिए जैसे जो है उपचार संस्था है जो ऑल ओवर राजस्थान की प्राइवेट हॉस्पिटल, नर्सिंग होम और क्लिनिक्स, प्राइवेट क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर की संस्था बनाई है जो कि सभी के हितों की ध्यान रखेगी। प्रेजेंट व्यवस्था जो व्यवस्था है जो अगर आपको नुकसान पहुंचाने पे आमादा है तो आप भी अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए खड़े हों। सब एक साथ होंगे, स्वामी विवेकानंद जी की बातों को याद रखेंगे कि उठें, खड़े, तैयार हों और लक्ष्य में पहुंचने से पहले नहीं रुके। संस्था के बारे में जैसे बातें होती हैं तो कुछ डॉक्टर्स को लगता है कि इन समस्याओं का समाधान जल्दी होना चाहिए। लगेगा भी क्यों नहीं, क्योंकि जो पानी है सर से ऊपर जा चुका है। कुछ लोगों को फाउंडर्स पे के इरादों पे यकीन नहीं है कि ये संस्था निष्पक्ष तरीके से बिना पॉलिटिकल एम के की गई है। होगा भी क्यों नहीं, क्योंकि उनके पास में कोई ऐसा एग्जाम्पल नहीं है पहले से। मैं आपको बता दूं, ये संस्था किसी की राइवल नहीं है। हम सभी को साथ लेके चलेंगे। हम सिर्फ अपने अधिकारों के लिए एक साथ इकट्ठे होकर खड़ा होना चाहते हैं। धन्यवाद।